कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे। जनता ने फैसले समय समय पर किए हैं, उसने उनको सबक सिखाया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे देश में माहौल बन गया हिंसा का। आप इश्यू देश में कौन कौन से हैं जनता के, उसको आधार बना के आप बात कीजिए। तो जनता जानती कि राम मंदिर का मुद्दा 30 साल से चल रहा है। इवन गुजरात के अंदर 3 बाय इलेक्शन कांग्रेस जीतती है, उनके परिणाम वो आए जो कि एक सबक सिखाने वाले थे। ना मोदी जी ना अमित शाह जी कांग्रेस मुक्त भारत की बात अपने जमाने में निकालेंगे नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भविष्यवाणी सच हो गई। आखिर वो समय आ ही गया जिसका जिक्र राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने भाषणों में करते थे। देश के अधिकतर राज्यों में अपनी पकड़ जमा चुकी भाजपा की सत्ता सिमटने लगी है। जो भाजपा देश में कांग्रेस मुक्त भारत के दावे करती नहीं थक रही थी, उस भाजपा के लिए आज देश में परेशानी खड़ी हो गई। महाराष्ट्र में अब गठबंधन की सरकार बन गई है। इस सियासी उठापटक से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बड़ा झटका भी लगा है। एनडीए का साल 2017 में देश की 72% आबादी पर शासन था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सत्ता उसके हाथ से जाने पर वह 41% आबादी तक सीमित होकर रह गया है। इस बात का श्रेय कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को जाता है जिन्होंने मुश्किल समय में हार नहीं मानी और लगातार भाजपा से टक्कर लेते रहे। ऐसे ही नेताओं में से एक है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो अक्सर अपने संवाद में इस बात का उल्लेख करते थे कि भाजपा को कभी भी सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे लोग 14 के अंदर। अब नाम नहीं लेते लोग, नाम नहीं लेते क्योंकि जनता ने फैसले समय समय पे किए हैं। पहले बिहार से शुरू किया, फिर आपके चुनाव जैसे होते गए बाई इलेक्शन लोकसभा के, उसमें उनको सबक सिखाया। अलग बात है चुनाव वापस जीत के सरकार उनकी बन गई है, परंतु गुजरात के अंदर कर्नाटक में जो परिणाम आए सामने, तब कांग्रेस मुक्त भारत की बातें कमज़ोर पड़ गई। फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मुँह की खानी पड़ी, तीनों सरकार चली गई बीजेपी की, तब एहसास हो गया। और उसके बाद में अभी जो चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र के हरियाणा के अंदर, तब और उनको मालूम पड़ गया। अब कभी नाम नहीं लेंगे, मैं कह सकूँ दावे के साथ में, ना मोदी जी ना अमित शाह जी कांग्रेस मुक्त भारत की बात अपने जमाने को भी निकालेंगे नहीं, मैं आपको कह सकता हूँ। देश में अब केवल 17 राज्यों में एनडीए सरकार है। इनमें से 13 राज्यों में भाजपा और 4 राज्यों में सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो पहले से ही एनडीए सत्ता से दूर है। अब आर्थिक राजधानी में भी भाजपा सत्ता से बाहर हो गई है। खास बात यह है कि देश के सबसे बड़े राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अब कांग्रेस की सरकार है, जिसका पूरा श्रेय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत और कमलनाथ को जाता है, जिन्होंने एकजुट रहे भाजपा की ओछी राजनीति का सामना किया। आने वाले वक्त में देखेंगे जो एक के बाद एक जो ऐसे फैसले हुए हैं और जिस रूप में इन्होंने इशू बेस्ड राजनीति नहीं करके डेमोक्रेसी के अंदर इशू बेस्ड आप कैंपेन करो, ये आपने नोट किया होगा। हमेशा ये आम जनता को उद्वेलित इशू कौन से कर रहे हैं, बेरोजगारी कर रहे हैं, बेकारी कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं इकोनॉमिक, काम धंधे ठप पड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे देश में माहौल बन गया हिंसा का, भय का इशू है। इसको एड्रेस करने की बजाय अगर बीजेपी वाले खाली वो थोपना चाहेंगे राष्ट्रवाद, पूरा देश राष्ट्रवादी होता है, हम सब राष्ट्रवादी, 370 राम मंदिर, तो जनता जानती कि राम मंदिर का मुद्दा 30 साल से चल रहा है। तो अब जनता ने जो अभी इनको जवाब दिया महाराष्ट्र के अंदर और हरियाणा के अंदर, उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं उनके परिणाम वो आए जो कि एक सबक सिखाने वाले थे। बाय इलेक्शन हो गए जहाँ जहाँ, इवन गुजरात के अंदर 3 बाय इलेक्शन कांग्रेस जीतती है वहाँ पर असेंबली के। राजस्थान में हम लोगों ने शिकस्त दी इनको मंडावा झुंझुनू के अंदर, और
नागौर की भी हम हार नहीं मानते अपनी, 57,000 से 4,000 पे आ गए। कहने का मतलब ये कि आज भी मैं कहना चाहूँगा बीजेपी को चाहिए कि आप सत्ता संभाले हुए देश के अंदर, आप इश्यू देश में कौन कौन से हैं जनता के, उसको आधार बना के आप बात कीजिए। भाजपा आज देश में अपनी पहचान खो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कांग्रेस का बढ़ता अस्तित्व इस बात का परिणाम है कि आज देश की जनता पीएम मोदी के जुमलों से परेशान हो कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है।